खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां जिले के ग्राम बहादुरपुर में नवोदय विद्यालय के पास जेल बनना प्रस्तावित हुआ था, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा बने क्वार्टरों को खाली करवाने और इन्हें तोड़ने की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था। बता दें कि यह क्वार्टर बीड़ी मजदूरों के लिए बनाए गए थे, जो काफी समय से खाली पड़े रहे। अब यहां जेल बनाना प्रस्तावित हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर क्वार्टर खाली करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसे लेकर यहां रह रहे लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन आज तहसीलदार रामलाल पगारे द्वारा राजस्व टीम के साथ मिलकर बीडी क्वार्टर तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द क्वार्टर खाली करने के निर्देश दिए गए। और हम यह समस्या लेके आए हैं, हम नवोदय विद्यालय के सामने जो सरकारी क्वार्टर है उसमें सब 20-25 सालों से रह रहे हैं और इतने सारे परिवार है और हमको वहाँ से निकाले जा रहा है, तो अब टूटने वाला है, जर्जर हो रहा है बोले, और कोई जेल बन रही है ऐसे बता रहे लोग। हमको पता नहीं है वहाँ क्या बन रहा है, हमको इतना बताया है वो तुमको बता रहे हैं, और वहाँ से जल्द निकाल दिया जा रहा है, तो हम ये परिवार लेके कहाँ जाए। समुदाय है जो बहादुरपुर, ग्राम बहादुरपुर में नवोदय विद्यालय के पास में जो बीड़ी मजदूर का क्वार्टर बने थे उसमें निवासरत थे, किंतु वहाँ अभी सुनने में आ रहा है कि जेल प्रस्तावित हो गई है। तो ग्राम बहादुरपुर में सरपंच, पंचायत बहादुरपुर और तहसीलदार महोदय द्वारा इन लोगों को एक नोटिस जारी किया गया तत्काल खाली करने का। इन लोगों की समस्या ये है कि हमें वहाँ तो निकाल दिए जा रहे हैं, कोई विषय नहीं है, पर गाँव में ही लगकर आगे से एक जमीन है 557/5 खसरा नंबर की, वहाँ पर ये आबादी की जमीन है, वहाँ बसाया जाए। और ये 20-25 वर्षों से रह रहे हैं। जमीन जो है यहाँ पर जेल विभाग को ये जमीन आवंटित हुई है और यहाँ पर बीड़ी क्वार्टर्स बहुत दिनों से बने हुए हैं और ये मतलब लगभग कंडम स्थिति में है, बहुत जर्जर हो चुके हैं और कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार ये जो कंडम क्वार्टर है इनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कितने परिवार था यहाँ पर? जो परिवार है जो रह रहे हैं उनको हिदायत दी है, 2 दिन में उनको खाली करने के आदेश दिए हैं, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर उनको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो खाली क्वार्टर है उनको हटाया जा रहा है।